धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट बहुत मशहूर है, ये देखा आपने। देखिए, धोनी ने सुशांत से कहा कि भाई बाकी सब कर लेना, मेरा हेलीकॉप्टर शॉट मारने की कोशिश मत करना वरना चोट लग जाएगी। लेकिन सुशांत ने कहा कि बिना हेलीकॉप्टर शॉट के धोनी कैसे। तो सुशांत ने 90 दिन तक उस हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस की और उस हेलीकॉप्टर शॉट को बखूबी प्ले किया। ये मेरे पीछे आप कुछ लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी इसी तरह से पार्क में क्रिकेट खेला करते थे, गली में क्रिकेट खेला करते थे, सुशांत सिंह राजपूत भी खेला करते थे। मन था कि स्कूल की क्रिकेट टीम में जाएं, लेकिन भाई इतना अच्छा क्रिकेट आता नहीं था तो स्कूल की क्रिकेट टीम में तो जा नहीं पाए। हालांकि उनकी बहन क्रिकेटर है, बहन ने कहा तुम बाकी सब कर सकते हो, क्रिकेटर नहीं बन सकते। फिर एक ऐसा मौका आया कि सुशांत ने दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेट का रोल प्ले किया और ऐसे प्ले किया कि उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि ये सुशांत हैं या धोनी हैं। और ये फिल्म MS धोनी कैसे बनी, इसके किस्से बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, धोनी के दोस्त हैं अरुण पांडे, उन्हें आइडिया आया कि धोनी पर फिल्म बनानी चाहिए। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से इसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आप धोनी से परमिशन ले लीजिए। अब धोनी परमिशन देने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे तो बहुत टाइम लग गया धोनी से परमिशन लेने में। खैर, परमिशन तो मिल गई, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी गई। धोनी के पास स्क्रिप्ट ले जाई गई तो धोनी ने कहा ठीक है जी, स्क्रिप्ट ओके, अब बताइए मेरा रोल कौन करेगा। दो सुपरस्टार्स के नाम लिए गए, धोनी ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। धोनी से पूछा गया अच्छा आप बताइए भाई आपका रोल कौन प्ले कर सकता है। धोनी ने कहा मेरा रोल एक ही शख्स प्ले करेगा, सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, धोनी ने खुद सुशांत का नाम लिया, सुशांत को फोन किया गया। सुशांत तो खुशी से उछल पड़े कि धोनी का रोल प्ले करूंगा मैं। 20 मिनट के अंदर यह तय हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत धोनी का किरदार निभाने जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर जिसके देश ही नहीं दुनिया में करोड़ों फैंस हैं, उसका रोल अदा करना आसान नहीं था। जनाब, एक भी गलती हो जाती ना तो धोनी के फैंस सुशांत को कभी माफ नहीं करते और ये बात सुशांत जानते थे। इसलिए जबरदस्त ट्रेनिंग हुई। 2-3 महीने तक सुशांत ने धोनी के वीडियोस को देखा, धोनी के साथ भी रहे और ट्रेनिंग भी हुई। किरण मोरे ने सुशांत को ट्रेनिंग दी और बिल्कुल एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह एक मुंबई के स्टेडियम में ट्रेनिंग दी गई। और इस दौरान किरण मोरे अपने हाथ में एक डंडा रखा करते थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि डंडा जो है ट्रेनिंग के दौरान क्यों रखते हैं कोचेज जो होते हैं। इस दौरान 2-2, 3-3 घंटे हर रोज विकेट कीपिंग करते थे सुशांत। धोनी विकेट कीपर थे तो उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। तो इस दौरान उनकी दो उंगलियां फ्रैक्चर हो गई, चोट लगी, तब जाकर सुशांत को समझ में आया कि धोनी मैदान पर उंगलियों में इतनी पट्टियां काहे बांध के रखते हैं। इसके बाद उनकी रिब में भी एक फ्रैक्चर हो गया था ट्रेनिंग लेते हुए, लेकिन हार नहीं मानी। अब धोनी बनना था तो धोनी के साथ रहना भी जरूरी था। धोनी के साथ रहे सुशांत, उनसे खूब सवाल जवाब किए और एक बार तो धोनी इतना इरिटेट हो गए कि उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। दरअसल सुशांत धोनी से एक ही सवाल को बार बार पूछते थे अलग अलग तरह से, ये इंश्योर करने के लिए कि भाई धोनी टाल तो नहीं रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं ना। और जब धोनी का जवाब सही होता था तो सुशांत सेटिस्फाई हो जाते थे और फिर वो सवाल करना बंद कर देते। लेकिन उनकी ये आदत जो है वो धोनी का जो कूल नेचर है उसे कई बार जो है हिला देती थी। कैप्टन कूल जो है वो गुस्से में आ जाया करते थे। है देखिए, MS धोनी जो है वो न सिर्फ सुशांत के करियर की बल्कि फिल्मी इतिहास के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। बहुत लोगों को ये प्रेरणा देती है। लेकिन आपको पता है जब MS धोनी किसी मैच में विनिंग शॉट लगाते हैं, आखिरी शॉट पर जब वो मैच जिताते हैं तो कमेंटेटर क्या कहता है, एंड ही फिनिश इट ऑफ इन स्टाइल। लेकिन सुशांत धोनी से बस यही सीखना भूल गए। उन्होंने धोनी से ये नहीं सीखा कि जिंदगी को जिंदा दिली से जीते रहना है, मुश्किलें चाहे कितनी भी आए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।